वेलकम बैक टू अवर व्लॉग गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सो के उठा हूं, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं जैसे ही उठा एकदम फोर्क मेरे आगे आगे नाश्ता, और नाश्ते में मिला मुझे आलू का पराठा गर्मा गर्म चाय। तो आप दे दो मेरे को एक हाई फाई। और आज जो है, आज मेरे भाई की शादी नहीं है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वेडिंग वाइफ सुना है, कल को है शादी उनकी, आज तो भात है, साथ में लगने वाली है मेहंदी। आप मेहंदी से कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि मेहंदी मेरे भाई के नहीं बहन के लगने वाली है, मामा के लड़की के, क्योंकि उसकी भी शादी है 1 तारीख को। तो गाइस, आज का व्लॉग जो होगा, आज उनका भात आने वाला है उसके ऊपर होगा। बहुत सारे प्रोग्राम मिस हो गए क्योंकि मेरे को किसी काम की वजह से जाना पड़ता था और मैं वापस नहीं आ पाता था उस टाइम, जिस टाइम वहाँ पे प्रोग्राम होते थे, तो इस वजह से कवर नहीं कर पाया। मैं काम से बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। अब जो आने वाले सारे प्रोग्राम है वो सारे के सारे मैं अटेंड करूंगा और उनके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, डेली व्लॉग बनेगा मेरा, और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अब मैं एकदम ही तो वहाँ जाके धमक नहीं सकता ना, एकदम अपने नानी घर पहुंच जाऊँ, तो उससे पहले मुझे अपने घर के जरूरी काम पूरे करने हैं। मैं जाऊंगा 4 बजे वहाँ पे। तो देखिए, अजीम साहब ने कपड़े सुखा रहा है, तो मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अब वक्त है मुर्गों को नाश्ता कराने का, जो मेरे चिकन कूप्स में बैठे हुए हैं। तो मेरे पास कोई दड़वा वड़वा तो था नहीं, तो मैंने इसी के अंदर रख लगे हैं वो मुर्गे। सारे एकदम आ गए उड़ के, ये पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो इनको नाश्ता कराए थे। ओ ओ, लो 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 लो, खा लो खा लो। खा लो खा लो खा लो, बहुत शैतान हो रहे बच्चे। जल्दी से इनके कमरे में मैं गेहूं डाल देता हूँ, जिससे कि अगर मैं इन्हें बंद कर दूं तो अगर इन्हें भूख लगे बाद में तो ये चुक चुक के यहीं पर ही खाते रहे। तो लो जी लो, मेरे भी आ गया यहाँ पे, हाँ भाग भाग के आ गया एकदम ही। कह रहा मामू मुझे भी मुर्गे चुकाने हैं, तो चुका ले ले, आराम से चुकाता रहे मुर्गे चुकाने को, कह रहा अब डर के भाग रहा है एकदम ही। तो बहुत देर हो चुकी है इनको चुकाते हुए, चलो अब वक्त है इनको अंदर करने का। चलो 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 अंदर को, चलो अंदर अंदर, चलो 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 चलो, भागो भागो भागो, कहाँ परेशान कर रहे हो मुझे, भाग जा अबे, चला जा सुसरी के अंदर को, चल 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 चल। ये बहुत हरामी है भाई, मान नहीं रहा है मेरी बात, चल जा। चलो फाइनली अंदर हो गए हैं वो सारे के सारे, अब जल्दी से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मुर्गे सारे पूरे हैं, तो गेट बंद कर दिया हमने, चलो चलते हैं नीचे। तो गाइस, नीचे से मुझे ऑर्डर आ चुका है कि भाई नीचे आओ जल्दी से, नीचे वाली किचन साफ करो क्योंकि तुमने ही फैलाई है। हाँ जी, मैंने फैलाई थी किचन, जैसा कि आपको पता है मुझे कुकिंग भी पसंद है, तो मैंने जो किचन फैलाई है अब उसको साफ भी तो करना है, तो चलो जल्दी से उस किचन को भी साफ करते हैं। तो आप सभी जैसा कि देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे सामग्री इकट्ठी कर रखी है, अब इसको साफ करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए जल्दी से साफ कर देते हैं। फोन कर देता हूँ साइड में और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, किचन साफ करने के बाद एक नया टास्क मिल चुका है कि घर वालों ने कहा है कि बाहर ईंट रखी है, मिस्त्री आ चुके हैं, तो इन सारे मिस्त्रियों से कह के सारे ईंटे ऊपर पहुंचवाओ। तो अभी मैं ईंटे ऊपर पहुंचवा रहा हूँ। ये जो जा रहे हैं ये हमारे खास मजदूर हैं, मतलब हमारा ठेकेदारी का ही काम है मेन, तो ये वही काम करते हैं। तो गाइस देखो, हमारे घर के नीचे ये गज्जक बनती रहती है क्योंकि हमने इनको रेंट पे दे रखा है, तो जैसे आप सामने देख पा रहे हो विवेक भैया बैठे हुए हैं और वो गज्जक को सेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई साहब, आप व्लॉगर हो तो आपको तो फ्री में गज्जक खिलानी पड़ेगी। भाई साहब कोई नहीं आने वाला तुम्हारे यहाँ पे, क्योंकि भाई इतना फेमस नहीं हुआ उन्होंने, मैं भाई ऊपर पहुँचवा के भी मैं फ्री ही हुआ था। उसके फौरन बाद मुझे कहा कि भाई बेसमेंट खाली कर दो। बेसमेंट जैसे ही मैंने खाली कर दिया, भाई लोहे का सामान था उसमें बहुत सारा सामान निकालने के बाद सीधा चाचा ने कॉल किया मेरे पास और कहने लगे कि भाई साहब सेमिनार हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। अब मैं जल्दी से पहुंचा संजय पावर के सेमिनार में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि कैसे लोग बैठे हुए हैं। ये सारे लीडर्स हैं संजय पावर के, फाउंडिंग डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी लीडर्स। मेरे चाचा डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी से ऊपर वाले लेवल के, मुझे पता नहीं है नाम शायद उसका क्या है, लेकिन हाँ ये जो बैठे हैं साकिब भाई, ये यहाँ के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। और देखिए राहुल जी जब स्पीच में चढ़ चुके हैं, अब मुझे जल्दी से यहाँ से फ्री होने के फौरन बाद यहाँ मुझे जाना है सीधा सिहानी, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका था नानी के यहाँ पे, मैं शूट करना भूल गया, बहुत सारे पार्ट्स थे और भूल गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वॉशिंग मशीन, ये हमारे आबिद भैया के शादी में आई हुई थी और सारा सामान तैयार रखा हुआ है यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं जैसे अलमारी, देखिए अलमारी जा नहीं पा रही, कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हो गई अलमारी, तो ये अलमारी ऊपर नहीं जा पाई यहाँ से, क्योंकि देखो ऊपर भी वहाँ पे देखिए तोड़फोड़ हो रखी है, वहाँ पे तोड़फोड़ हो रखी है, तो इसकी वजह से हुई है वो सारी तोड़फोड़। और बाकी इसमें आप मुझे देख पा रहे हैं
मोहब्बत, मोहब्बत से। तो मैं अभी फिलहाल आपको ऊपर तक के कमरा दिखाने वाला हूँ, कमरा कैसे डिजाइन किया गया है, बहुत बेहतरीन होने वाला सिस्टम सारा का सारा। जैसा कि आप देख रहे हैं सुहान है, ये क्या है? ये मसाला है कोरमे का। ये क्या चीज है? ये कोरमे का मसाला। कोरमे का मसाला वो वहाँ चलोगे हमारे साथ बाजार करने? हाँ चलेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, बहुत मजे आ रहे हैं लड़कियों को। अंदर अंदर एंट्री नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि क्या घर अंदर से रूम कैसा है। भाई साहब कोई नहीं खुलेगा, रिजर्व मेकअप तो कर रही है। हाँ, नहीं। फोन क्या घुमाओगे? तो कोई बात नहीं, चलो हम पर इतने गोश्त बनवा लेते हैं, चलो जो है मखान ले लिया जल्दी से। ये है हमारे लड़का, ये भी हमारे आगे नाम है, ये भी ब्लॉग बनाते हैं। अब मैं इनका चैनल का लिंक डाल दूंगा आपके लिए। तो अभी फिलहाल जो है गोश्त बनना है, मैं आपको दिखाया था गोश्त बनना है, फ्राई बनना है, गोश्त बनना है कोरमा। जैसा कि आप सभी मेरे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोश्त की तैयारी हो रही है। ये गोश्त आया हुआ है चिकन का, अभी मैं आपको फिलहाल वो दिखाता हूँ कोरमा कैसे पक रहा है। तो वो वहाँ पे उसके अंदर पक रहा है, जो देग रखी हुई है यहाँ पे हारिश जो फर है वो सारे के सारे रिमूव कर रहा है। तो गाइस हमारे जो मेन सेलिब्रिटी है, जो मेन इंडिविजुअल है, वो हमारे बीच है मिस्टर आबिद से। तुम लिए तुम नहीं आ रहे हो भाई साहब, क्या खा रहे हो? ओए होए सारा मूड खराब कर दिया गोश्त की जगह ये खिला के। ये देखो तो ना भैया, अभी ना दिखाने अभी। तो ये हमारे मेन सेलिब्रिटी हैं, क्या कहना चाहोगे आप? कल इनकी किस्मत फूटने वाली है, कह रहे हैं एक्सपीरियंस करके बताऊंगा। मसला ये हो गया कि हमारे भाई के जूते छोटे आ गए, तो कह रहे हैं वापस करके आओ, तो जूते वापस करने जा रहे हैं हम। और एक एक हमारी इसकी मौसी का वो जूता जूते नहीं है, तो उसके मौसी के लिए जूते भी लेने जा रहे हैं। बाइक की चाबी कहाँ है? बाइक आ चुकी है, तो बाइक से चलते हैं। अनस चल बाइक निकालो, ये वाली उसकी चाबी नहीं मिली। ये रहे इसके जूते जो है छोटे आ गए हैं, बड़े आ गए हैं, एक नंबर ज़्यादा लेके आने हैं और इसके जूते दिला के लाने हैं। पैसे तो लिया? पैसे ना तेरे पे जब नहीं लिया तो इसने। ये मेरी मौसी का है, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, इसकी मौसी का। तो गाइस जैसे ही मैं बाहर पूछा पैसे लेके, सीधा मुझे साहिब भाई मिल चुके हैं, और साहिब भाई से मैंने सलाम दुआ करी और देखे पैसे मिल चुके हैं, और हम निकलने वाले हैं सीधा का सीधा जूते लेने। चलो भाई चलो बैठ जा भाई, जल्दी बकवास मत ना पहले, जल्दी से बैठ जा। चल हाँ यार ड्राइवर मत पेल, बैठ जा मेरे खलन मेरे नाना। तो ये बैठ गया, अब जो है मैं भी इसके पीछे बैठ जाता हूँ, और हम तीनों जाने वाले हैं सीधा बजरिया, क्योंकि बजरिया में बेहतरीन VIP जूते बहुत चीप रेट पे मिल जाते हैं। मैं आपको सीधा वहाँ जाके दिखाने वाला हूँ कि बजरिया में दुकान दिखाने वाला हूँ, वो सारा माल दिखाऊंगा आप सभी को। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बजरिया जूतों की बेताज बादशाह वाली मार्केट में, और मैं अभी फिलहाल एक ही दुकान को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी दुकान है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, मुझे तो बस एक यही जानते हैं। तो इनके पास ही आता हूँ मैं, सीधा रेट एकदम गिरा देता हूँ, जैसे को जो भी रेट बोलेंगे ना, 1000 बोलेंगे सीधा 800 रुपए, तो मैं फौरन रेट गिरा देता हूँ, और ये मेरी बात नहीं गिराते। तो मैं सोचता हूँ कि यार यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक से एक जूता VIP जूता पड़ा था, तो हमने वैसे अनस ने ले लिए हैं जूते, मैं आपको कल दिखाऊंगा वो जूते कैसे हैं। सुहान ने भी ले लिए हैं, और सुहान के भी मैं कल दिखाने वाला हूँ आपको जूते, बहुत प्यारे प्यारे जूते हैं बहुत ज्यादा। तो चलो भाई चलते हैं घर वापस, क्योंकि घर पे मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका है। तो गाइस अब मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इन हाथों पे कैसे प्यारी प्यारी मेहंदी लगा रहे हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे। ये देखो मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है, कितने अच्छे से टेक्सचर बनाया जा रहा है। अब मैं मेहंदी क्या आपको इतनी देर तक दिखाऊं, बोर हो जाओगे, सेम चेंज करते हैं। तो गाइस कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, फर्स्ट क्लास बेहतरीन बन चुका है, और फारूक मामू देखिए कैसे टेस्ट कर रहे हैं कोरमे को अकेले अकेले। मामू मुझे भी टेस्ट करा दो जरा, हम भी तो चखे देखे। आहा मजे आ गए भाई, एकदम परफेक्ट हो रहा है स्वाद। दोस्तों अभी मुझे खबर आई है कि नीचे मेहमान आ चुके हैं भाते ही, तो मैंने जैसे यहाँ पे आया तो तैयार मिले मुझे, और उन्होंने कहा कि भाई जरा नाश्ता वास्ता लगवा दो, तो यहाँ पे हम बैठ के नाश्ता वास्ता लगवा रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये यहाँ पे नाश्ता लग रहा है, रसगुल्ले ड्राई फ्रूट्स और ना जाने क्या क्या। तो देखिए नाश्ता लग चुका है मेहमानों के आगे भी, आप देख सकते हैं। जेंट्स की महफिल को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मुआजरत।
तो गाइज अब हम जो जा रहे हैं पीछे पल्ली तरफ जा रहे हैं लोगों को न्योता देने, जो हमारे खानदान के मतलब इनके खानदान के लोग बाग हैं, जैसे चाचा ताऊ उन सबको देने जा रहे हैं। वो सब भी मेरे मामा ही लगते हैं, तो उन सबको जो है इनवाइट करने जा रहे हैं भातियों के लिए। तो डे टू डे इनवाइट होते हैं वो, तो चलिए जल्दी से उनको इनवाइट करने चलते हैं। सुहान ले जाएगा क्योंकि मुझे सबके घर के बारे में नहीं पता कौन कहाँ रहता है, और मुझे इसमें साथ हारिश भी जाएगा, अमान भी जाएगा, तो तीनों जाने वाले हैं उन लोगों को इनवाइट करने। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। कुछ थोड़े बहुत मेहमान तो देखिए गाइस यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं जैसा कि आप। बाकी सब मेहमान कोई ऊपर है, कोई थर्ड फ्लोर पर है, सबके सब अपनी अपनी जगह पे सेट बैठे हैं। एक एक करके हम धीरे धीरे सभी के घर जा रहे हैं दावत देने। अभी हम एक घर होके आ चुके हैं, अब दूसरे जाएंगे, फिर तीसरे जाएंगे, और बाकी सब लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं क्योंकि वो पहले से उनको इन्वाइट कर रखा था, तो वो सारे के सारे मेहमान पहले ही पहुंच चुके हैं। तो गाइस मैं न्योता देके घर पे आ चुका हूँ वापस, और क्या नाम है, जल्दी से हम अंदर चलते हैं। और अभी मुझे पता चला है कि मेहमान आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी अभी देख सकते हैं। तो ये सब मेहमान बैठे हुए हैं और मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ। देखिए भाई, इस तरह की गैदरिंग होती है यार शादी के टाइम पे, कितनी खुशियाँ होती है घर के। ये जो बैठे हैं ना, ये कस्टम करते हैं बाइक को, मतलब बाइक मॉडिफिकेशन और सबका काम है, बहुत VIP काम है। अरबाज खान की एक पिक्चर है फ्रीकी अली, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है, जिसमें वो पिक्चर में इनका ही स्कूटर यूज किया था जिसमें दो हेडलाइट थी। नीचे सभी मेहमान को फ्री करके हम ऊपर आ चुके हैं और अभी खाना चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई मेहमान सारे बैठ चुके हैं, अब सबको खाना खिलाया जा रहा है सीधा मेन कोर्स पे, क्योंकि नाश्ता तो हो चुका है। भाई मुझे तो कल का इंतजार है भाई, कल क्या क्या पहनूंगा, मेरा सूट देखोगे ना तुम भी दीवाने हो जाओगे भाई साहब, एक नंबर का सूट सिलवा। यहाँ पे जिस एक्सपल्स की बात हो रही है वो इन मामू ने खुद ही बनाई है, वो पूरी की पूरी एक्सपल्स, मतलब ये बाइक भी पूरी की पूरी, अगर कोई पसंद आ जाते खुद ही बना लेता है। बुलेट बना रखे है इन्होंने एक बहुत बेहतरीन डुअल साइलेंसर के साथ, जब मतलब डुअल साइलेंसर आया भी नहीं था ना तभी बना दी थी इन्होंने बुलेट। तो अब मुझे देख पे बिठा दिया इन्होंने कि भाई चलो भाई देख पे बैठो और सबको कर करके खिलाओ, तो अब मेरा नंबर आ चुका है, कर करके खिला रहा हूँ सबको। तो काम पे से फ्री होके जल्दी से मैं आ चुका हूँ दुकान पे गुल्लू भाई के साथ। ये हमारे भाई साहब है, गुल्लू यहीं रहते हैं पल्ली तरफ जहाँ पे हम न्योता देने गए थे। तो इन्होंने कहा कि आओ चलो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला के लाते हैं, तो मैंने कहा भाई चलो पीने चल ले। तो यहाँ पे मुझे थम्सअप मिल गई, तो थम्सअप पीना शुरू करते हैं। और सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, दी एंड हो चुका है, मेहंदी लग चुकी है और भाते भी जा चुके हैं। और अब देखो ये हमारे लोंडेज जो है क्या नाम है मेहंदी लगवा रहे हैं, बैक शर्म कर लो मेहंदी लगवा रहे हो मेहंदी वालों। तो गाइस जो हमने थम्सअप पी थी वो ज्यादा ठंडी नहीं थी, तो इसलिए हमारा दिमाग जो है संट हो गया। और अनस और मैं आ चुके हैं सीधा 24/7 में, क्योंकि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और कोई सी भी स्टोर नहीं खुला हुआ था उधर की तरफ, तो हम RDC आ गए। अनस और मैं वैसे तो हेल्थ पीने आए थे, लेकिन हेल्थ ही नहीं इनके पास, स्टिंग पीने गए। तो स्टिंग जो है ना उसने साफ मना कर दी कि भाई स्टिंग नहीं लेंगे, तो फिर कहने लगा कि रेड बुल ही पीऊंगा। कोई बात नहीं, लोंडे को हम रेड बुल पिलाएंगे 24/7 से। अब हम निकल चुके हैं बाहर और रेड बुल पी रहे हैं। आज औकात से बाहर जाना पड़ गया, जेब खाली हो गई, तो कोई बात नहीं। तो आज के सारे प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं, आज का व्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगला व्लॉग आपको मिल जाएगा जल्द ही, जो कि शादी के ऊपर होने वाला है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलता हूं मैं आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू। यहाँ रात के 3 बज रहे हैं और आप सभी को यकीन नहीं होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो भाई कटिंग चल रही है, किसी का फेशियल चल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। मैं तो भैया अपने घर से फिर आया होके आया कटिंग करवा के, देखिए यहाँ पे शीशा पकड़ के बैठा हुआ सुहान। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू।